तो गैस अभी तक जा रहे थे हमारे मुबारक भाई इनवाइट करने, अब जाऊंगा मैं। मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम मैं दिखाऊंगा कि हमारे गांव में लोगों को कैसे बुलाते हैं शादी पे, इनवाइट कैसे करते हैं। तो हम वहीं जा रहे हैं अब। हम तो कम से कम शायद 100 कुछ हैं, 100 कुछ ऐसे आस पास से लोग हैं, उनको बुलाना है, घर है उनको बुलाना है। दिखाएंगे कि लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, हमारे गांव का रूल क्या है लोगों को इनवाइट शादी में इनवाइट करने का, वो इनविटेशन देने का। हमें घर से डोर टू डोर जाना पड़ता है इनविटेशन देने के लिए लोगों को। चलो देखते हैं, अब पहले घर में जा रहे हैं हम इनविटेशन देते हैं। ये देखिए आप, ये जा रहे हैं हम पहले घर को। पहले घर कंप्लीट, अब जाएंगे हम दूसरे घर में। हाँ तो गाइस, हमने 2-3 घर को इनवाइट कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे 2 बार बुलाना पड़ता है, एक शादी से 5-6 दिन पहले और एक शादी के 2-3 दिन पहले। तो आज हम पहले इनविटेशन कर रहे हैं, तो दूसरा शादी के 2-3 दिन बाद होगा, 2-3 दिन पहले होगा, उस टाइम दिखाएंगे आपको। उस टाइम भी ये देखिए, ये हमारी लिस्ट है, जो आपको दिखाता हूँ हमारी लिस्ट कौन सी है जिसके हिसाब से हम इनवाइट कर रहे हैं। कश्मीर, ये हमारी लिस्ट जिसके हिसाब से हमें इनवाइट करना पड़ता है। यूसुफ मीर होगी वो, पढ़ना किस किस को होगा। ये हमारे मुबारक भाई हमारे साथ हमारे पार्टनर हैं। और कितना ना हो गया, मजीद हकला वे उपलाई नूरानी हकला वे छोप उपलाई आ जा सर मुझे तावे लगे त्रे डेरा मीन से 2 अंताफ नूरानी हो गया। अब जा रहे हैं हम दूसरी साइड, एक साइड में हो गया सिर्फ, वहाँ पे 5-6 घर थे, उनको हमने उनको बुला दिया, इनवाइट कर दिया। अब जा रहे हैं दूसरी साइड, इस साइड तो एक ही है। अब जाएंगे हम दूसरे घर में, उनको इनवाइट करेंगे। हाँ तो गैस, अभी तक जा रहे थे हमारे मुबारक भाई इनवाइट करने, अब जाऊंगा मैं, देखता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। नहीं कोई बार उतार दे तो बे अंग्रेजी सोना पड़ा, ठीक है।
हाँ तो गाइज मैंने भी कर दिया, अब जाएंगे ऊपर। यार क्या बोलूँ, अब बहुत ऊपर जाने, ऊपर तक जाने लगभग 100 कुछ घर हैं, उनको इनवाइट करना है यार। कम से कम हमें 5-6 घंटे तो लग जाएंगे किसी के साथ। हमारे मुबारक भाई, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वीडियो कैसा लगा ये बोलना कमेंट में, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, हम अपने वीडियो में इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे, डेली व्लॉग करते रहेंगे, दिखाएंगे कि आप हमारा कल्चर क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ इंशाल्लाह डेली व्लॉग मिलेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो मिलते हैं अब दूसरे घर जाते वक्त, जाने वक्त। ओके, साथ में आपको यही बोल दूं मैं इस टाइम कहाँ पे, हमारे गांव का नाम क्या है, हमारे गांव का नाम है चिट्ठी बांडी, बांडीपोर चिट्ठी बांडी। ये चल रही जा रही है रोड, ये रोड आ रही है नीचे से गांव से, तो यहाँ से दो रोड चलती है, एक छान पर जो ये है, ये छान पर जा रही है और ये जा रही है छपरन, दो गांव में वो रखी सेब की पेटियाँ, इनमें सेब भरते, ये सब सेब की पेटियाँ। और ये हमारा दर्जगा, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं कुरान। यहाँ पे दो रोड जा रही हैं, वो जो जा रही है छपरियाँ जा रही है, और ये जो जा रही है, ये जो जा रही है ये गोरी हाजन जा रही है सबसे टॉप पे, जो लगभग ये कम से कम 5-6 किलोमीटर है। हमें इससे भी ऊपर जाना है, कम से कम हमें जाना है शायद 8-9 किलोमीटर ऊपर यहाँ से, तो ये रास्ता जाता है गोरी हाजन। लास्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा जगह कैसी है, बहुत ही मस्त जगह है, और वहाँ टॉप से वलर का पूरा व्यू दिखता है। चल अब इस रास्ते से जाएंगे। हाँ तो गाइज हम कम से कम शायद 20-25 घर को हमने इनवाइट कर दिया, अब हम आ गए अपने घर के पास। तो मैंने अपने घर में खुद नहीं किया इनवाइट, और दूसरे मुबारक भाई ने किए, क्योंकि अपने अपने घर में तो नहीं कर सकते ना खुद, तो वो अब गया है मेरे मामू के घर, वहाँ पे इनवाइट करने उनको। इस टाइम हम अपने घर है, अभी जाना है बहुत ऊपर यार, ऊपर जाना है यार अभी बहुत, कम से कम अभी 30 घर शायद अभी पेंडिंग है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और देख सर मैंने ड्रेसिंग भी चेंज कर दी, क्योंकि सुबह सुबह ठंड हो रही थी, बहुत सर्दी हो रही थी, बारिश भी पड़ रही थी, लेकिन इस टाइम धूप हो रही है, आप देख सकते हो अच्छी धूप हो रही है, तो गर्मी आ गई थी इसलिए अपर को निकाल दिया, तो स्वेटर लगा दी, वो भी हाफ। सर्दी है फिर भी, लेकिन उतनी नहीं है, चलते वॉकिंग चलते चलते गर्मी आ जाती है बहुत ज़्यादा। भाग गया भाग गया। हमें वहां ऊपर जाना है, वहां ऊपर लास्ट पे वहां पहुंचने। हाँ तो वैसे ये छनपल का हाई स्कूल, ये पहले मिडिल स्कूल था, तो एक साल हो गया इसको हाई स्कूल बना दिया है ये वाला, और वहाँ ऊपर है वो पंचायत, छनपल की पंचायत है वो, जो यहाँ से देखो नज़ारा क्या है नीचे वुलर का, झीले वुलर पूरा क्लियर दिखती है यहाँ से, झीले वुलर जकार है। तो कितने लगो वही ना, चलो शो तो ठीक है। हाँ तो मुबारक भाई गए वहाँ पे, एक घर रह गया था उनको इनवाइट करने, तो हम जा रहे हैं, हम उनका करेंगे इंतज़ार यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे जब तक वो इनवाइट करके आते हैं, उनको बुला।
शादी में आना। तक हम यहाँ करते हैं इंतजार। ये हमारा हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल छानपल, छानपल चिट्ठी भांडी में पड़ता है। ये इसकी एक बनी हुई है, बेड बनाई है, लेकिन अभी इसका काम नहीं शुरू हुआ। घास उग गया है बहुत। लिस्ट मजीद हम देख रहे हैं कौन कौन हमने जिसको इनवाइट किया, किसको नहीं। मजीद खटाना कौन है? कौन है मैं क्या बताऊं? अर्शीद लाली योपला, इसको नहीं किया। मजीद खटाना, अब्दुल मजीद खटाना, देख। अब हमें रह गए बस 10-15 घर, तो फिर हमारी मिशन कंप्लीट। लेकिन बहुत थक गए यार, बहुत ज़्यादा थक गए। इन दो घरों को हमें करना है, इनवाइट करना है, फिर जाना है दूसरी साइड। इन दो घरों को इनवाइट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आपको दिखाएंगे अभी हम इनवाइट कैसे करते हैं लोगों को यहाँ पे, अपना कल्चर मतलब कैसे इनवाइट कर दिया जाता है शादी में। बने रहे हमारे साथ यूट्यूबर साहब, हमारे ये फेमस यूट्यूबर है। सुन जी जी शॉर्ट करूँ, हमारे ये सबसे बड़े यूट्यूबर हैं यहाँ के, चिट्ठी बांडी के फेमस यूट्यूबर। ऐसे सुन मेरे से, ऐसे नहीं सुन रहे थे। चला किनारे नजीर मौलवी, नजीर मौलवी ने, नजीर मौलवी ने चलाया 16-17 ब्याह, तो ब्याह मई हूँ ठीक है जरूर। हाँ तो गाइस हम पहुंचे स्टैम गुरी हाजिन, बस 2-3 घर रह गए इनवाइट करने के बिना, उनको करते हैं तो फिर जाते हैं वापस नीचे। और नीचे का व्यू देखो, पूरा क्लियर आता है यहाँ से यार, जिले बुल्लर यार पूरा क्लियर दिखती है। बहुत ही मस्त जगह है ये भी। ये इसका काम चल रहा है, सड़क का, इस रोड का काम चल रहा है। जब ये भी कंप्लीट हो जाएगी ऊपर ऊपर तक जाएगी, फिर मज़ा आएगा यहाँ पे। पता नहीं मिट्टी क्यों डाली हुई है यहाँ पे। ये जीरे पलर देखिए कितनी बढ़िया, कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत। ये भी ये अपना पिंड, ये हमारा गांव, इसका नाम है चिट्ठी बांडी, बांडी पॉइंट पड़ता है ये, इसका नाम है चिट्ठी बांडी। पता नहीं यार बंदे को बोला था इस घर में जाके बोलना, इनवाइट करना इनको, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। उसके ऊपर उसके फोन भी स्विच ऑफ आ रही है, तो नहीं कहाँ गए यार। छोटे छोटे बच्चे हाँ तो गाइस जो लास्ट घर रह गया था हमसे वहाँ पहुँच गए। ये देखो कितना ऊपर स्कूल, वो के नीचे बुलर मुबारक। ये देखो यह गुरी हाजन ऊपर, ये रोड जा रही है वहाँ से ऊपर सीधा, तो पहुँच गए।
अब सीधे जाते हैं वहाँ। देखो ये गुरी हरिन स्कूल, मिडिल स्कूल है, मिडिल है या प्राइमरी स्कूल है वो नहीं पता मेरे को, है स्कूल है लेकिन बहुत ही खस्ता हालत है स्कूल की यार। मास्टर जी गए बचपन में यार, बचपन ना यार, हवा की चल रही क्या, ठंडी हवा है। वालेकुम सलाम, तेरा कौन है? छोटे छोटे तो इतने प्यारे हैं यार नहीं पकड़े जाता, हाथ नहीं आते रोकना नहीं आता आते। यहाँ का नजारा मुबारक भाई बोल रहे मेरे पिक उठा मजा आया, मजा आया पहले बोल, पहले बोल, पहले बोल, पहले बोल मजा आया। हाँ मजा आया बहुत बहुत है, सूरज गई है, माय गॉड जबरदस्त। चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ। अपना अपने भाई को सपोर्ट दी गए, सपोर्ट बिल्कुल, सपोर्ट सपोर्ट।